हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता और फेस पे क्या लगाना चाहिए जिससे आपके फेस पर ग्लो रहे। तो आज के वीडियो में मैं यही करने वाली हूँ। प्लीज़ वॉच टिल द एंड। ओके थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता। मेरी सासू माँ को बहुत पसंद है और वो बहुत दिन से कह रही थी कि बना लेना बेटा। तो आज मैं बनाऊंगी बैंगन का भरता। और आप लोगों को कैसा लगता है ये। कल मैं खरीद के लाई थी अच्छे अच्छे बैंगन, इसका मैं बनाऊंगी बैंगन का भरता। और आज मेरा सब काम लेट हो गया क्योंकि आज मैं गई थी कॉलेज, किसी के साथ गई थी, मतलब मैं नहीं पढ़ती हूँ, किसी के साथ गई थी कॉलेज, क्योंकि योगी जी ने बहुत अच्छा आदेश दिया है कि सबको, जितने भी बीएम पढ़ने वाली छात्राएं हैं, सबको लैपटॉप मिलेगा या मोबाइल स्मार्टफोन या कुछ भी, एनीथिंग, मुझे आई एम नॉट कंफर्म। तो इसके लिए मैं गई थी कॉलेज। कॉलेज में बहुत भीड़ थी, जो लोग कभी भी कॉलेज नहीं आते थे वो भी आज आए थे अपना फॉर्म लेने, क्योंकि ग्रुप में मैसेज भी आए थे कि जितने भी पढ़ती हैं लड़कियां सब लोग जाएं अपना फॉर्म लें, उसको फिलअप करें और अपना जो भी प्रक्रिया है आगे होगी वो अपना फॉर्म जमा कर देंगी तो उनको मिलेगा। तो वैसे तो पेपर में और सब में आ ही गया है, लेकिन अगर आपकी भी जान पहचान में कोई है और जिसने फॉर्म नहीं भरा है तो आप उन्हें भी प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा, वो भी अपना जाके फॉर्म ले आएंगे। और जाइए अपना काम करिए, जाके मुझे अपना काम करने दीजिए। बताइए क्या बात है, क्या नहाना है आपको। जाइए नहला रहे हैं। चलिए चाकू मैंने कहाँ रख दिया। और आज मुझे अपना फेस भी साफ करना है। सब लोगों ने करवा चौथ की तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं भी लगा दूँ, क्योंकि मुझे ब्यूटी पार्लर जाने का मौका मिलता नहीं है, इतना काम रहता है और ब्यूटी पार्लर में इतनी भीड़ होती है कि हम लोग अपना एक घंटा दे नहीं पाते हैं। तो घर में ही मैं कुछ अपने लगा लूँगी, अपना फेस साफ करूँगी। तो गाइस, मेरा गैस पे एक बैंगन भुन रहा है, एक भुन चुका है और दो अभी और भुनने के लिए रखे हैं। और ये इधर प्याज काट के रख लिया है और इधर टमाटर भी अभी काटूंगी, हरी मिर्ची भी डालूंगी। स्वादिष्ट भरता बिल्कुल बनने के लिए तैयार है आज। तो मेरा भरता तैयार हो चुका है। आ जाओ फ्रेंड्स, गरम गरम रोटी के साथ खाइए, सब तैयार है भरता। तो फ्रेंड्स चलिए अब अपने फेस पर कुछ साफ सफाई कर लेते हैं। तो सफाई करने के लिए मैंने पहले लिया है ये बेसन, ये एक चम्मच बेसन मैं इस कटोरी में डाल दूंगी। और ये मैंने लिया है कॉफ़ी, कॉफ़ी भी हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छी होती है, वाइटनिंग के लिए अच्छी होती है, इसलिए मैं ये कॉफ़ी भी इसमें डाल दूंगी। इसमें ऐसे कॉफ़ी मैं ऐड कर दूंगी लाइटनिंग के लिए, ये बहुत ही अच्छी होती है कॉफ़ी। और अब इसमें हम ये थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। इससे अच्छा कलर आता है और एंटीबायोटिक। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और उसका एक ऐसा लिप बनाएंगे कि वो हम लोगों के फेस पे अच्छे से ऐड हो जाए। ना ज़्यादा गीला रहेगा ना ज़्यादा सूखा,
जो लोग ब्यूटी पार्लर नहीं जाना चाहते हैं वो लोग ऐसे घर में अपना कर लें। देखिए कुछ इस टाइप का ऐसा हो गया है। ये हम लोग अपने फेस पे लगाएंगे, थोड़ा सा गीला है तो इसमें थोड़ा सा हम और डाल देते हैं बेसन, फेस पे लगा लेंगे। बाकी अगर ज़्यादा हो गया बच गया तो उसको अपने हाथों पे भी लगा लेंगे, पूरे बेसन का यूज़ कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये बेसन का मैंने तैयार कर लिया है और इसको मैं अपने फेस पर ऐसे लगा लूँगी। बिल्कुल इतना रखना है कि ये अच्छे से पूरे फेस से फैल जाए, पूरा अच्छे से ऐसे आईज के नीचे से लेते हुए। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ गले पर भी ऐसे लगा सकते हैं। बेसन से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। कोई भी हम लोग लेप बनाते हैं तो उसमें बेसन ऐड जरूर कर लेते हैं, बेसन बेस्ट है। घर में जो भी आप कोई भी लेप अगर लगाते हैं तो उसके लिए बेसन सबसे बेस्ट है। बेसन लगाने के बाद फिर थोड़ी देर ऐसे ऐसे इसको ऐसे कर लीजिए। जितना भी आप अपने फेस पर नेचुरल चीजों का प्रयोग करेंगे आपकी स्किन उतनी ही सही रहेगी। तो बेसन मेरा पूरा लग चुका है, अब इसको मैं 10-15 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दूंगी। ऐसे जब ये पूरा सूख जाएगा, जब हम लोग की फेस पे थोड़ा सा टाइटनेस जैसी हो जाएगी तब मैं इसे ठंडे पानी से धो लूँगी, रस्सी ऐसे छुड़ा लूँगी इसको पूरा। तो फ्रेंड्स, मेरा जो लेप था वो सूख गया है और मैंने उसे पानी से अच्छे से छुड़ा लिया है और बिल्कुल अच्छे से छुड़ा के पानी से पोंछ लिया है और अब मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है। तो आप भी अपने घर में ये वाला लेप लगा सकते हैं और बहुत ही फ्रेश फील होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपके साथ साथ मैंने बैंगन का भरता बनाया और बातें करते करते अपने फेस भी क्लीन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स, एक बात और बोलनी थी कि जब भी आप अपने फेस पे कोई भी लेप लगाएं तो उसके बाद थोड़े से मॉइस्चराइजर क्रीम लेके अपने फेस पे थोड़ा सा फेशियल लेप कर लें। इससे थोड़ा फेस चिकना हो जाएगा, थोड़ा लेप के बाद थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाता है फेस पे, तो थोड़ा सा आप थोड़ी कोई चिकनी क्रीम ऐसे अपने फेस पे अप्लाई जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।